आज हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह यदि नीच राशि का प्रथम स्थान पर, जिसको हम प्रथम स्थान को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं, इस स्थान पर स्वयं का व्यक्तित्व निखरता है, स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की जाती है और यहीं से ही सारा विस्तार से वर्णन किया जाता है। तो यदि कर्क राशि का मंगल यदि प्रथम स्थान पर ही नीच हो जाएगा तो ऐसे जातक के जीवन में क्या शुभ और अशुभ परिणाम आ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए यह नया सब्जेक्ट आपके सामने लेकर आया हूं। अधिक विलंब करते हुए सभी के सामने आज का जो विषय है वह है नीच राशिगत मंगल ग्रह अपने शुभ और अशुभ परिणाम क्या देगा। सभी को जय श्री कृष्णा। वैसे हम सभी जानते हैं कि जन्म पत्रिका में 12 स्थान होते हैं और इन 12 स्थान में लग्न स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस लग्न स्थान पर यदि कर्क राशिगत मंगल नीच राशिगत अवस्था में स्थित होगा तो ऐसे जातक के ये मंगल अपने कारक तत्वों में क्या कमी लाएगा या फिर और शुभता लाएगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। अब ये कर्क राशिगत मंगल नीच का हुआ ये तो ठीक है, लेकिन इसकी यह दो राशियों का स्वामी बना गया है। एक तो मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और यह मंगल केंद्र पे स्थित होगा, तो ऐसे में यह मंगल चाहे नीच राशि का माना जाए लेकिन हमारे पाराशर ऋषि के अनुसार त्रिकोण और केंद्र का स्वामी केंद्र में स्थित हो तो यह लक्ष्मी नारायण योग माना जाता है, तो यह प्रबल योग बनता है। क्योंकि मैंने बताया है कर्क राशि के हिसाब से यदि हम चर्चा करते हैं तो हमारी दृष्टि पड़ती है 10वें स्थान पर, वहाँ एक लिखा होगा तो एक का मतलब होता है मेष राशि। और इसी तरह से कर्क राशि से यदि हम आगे चलते हैं तो त्रिकोण स्थान, जिसके 5वें स्थान पर त्रिकोण राशि, यह यहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा तो 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। तो इन दोनों स्वामी मंगल है और यह मंगल प्रबल राजयोग कारक स्थिति में बैठकर केंद्र में बैठा है, तो ऐसे में ऐसे जातक का नीच राशिगत होने के बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में ऐसे जातक को सफलता अवश्य दिलाता है और कुछ क्षेत्रों में उसमें कमी आ सकती है। और ये मंगल ग्रह अपनी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा में ही अपने रिजल्ट देने में सक्षम होता है। तो जब नीच राशिगत मंगल है तो प्रथम स्थान की हम बात करते हैं मंगल के लिए, तो मंगल का मैंने स्वामित्व बताया, इसके प्रबल राज्यों कार्य के बारे में बताया है। अब इसकी दृष्टि संबंधी के बारे में बताता हूँ। हर ग्रह को एक दृष्टि दी गई है, सातवीं दृष्टि, तो सातवीं दृष्टि मंगल को तो दी गई है, इसके अलावा स्पेशल दृष्टियाँ चौथी और आठवीं दृष्टि। अब ये जब चौथी दृष्टि पड़ती है लग्न स्थान पर मंगल स्थित होगा तो इसकी चौथी दृष्टि चतुर्थ स्थान पे पड़ेगी और सातवीं दृष्टि जहाँ लग्न लिखा हुआ है, मंगल लिखा हुआ है, तो उसके जस्ट सामने को हम सप्तम दृष्टि से कहते हैं और आठवें स्थान पर आठवीं दृष्टि का संबंध माना गया है। तो हम पहले दृष्टि संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। नीच राशिगत मंगल जब अपनी चतुर्दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखता है तो ये माँ का स्थान कहलाता है और घर की चार दीवारी कहलाता है। तो यहाँ पर आपके मंगल क्या प्रभाव देगा, ये आपके माता के प्रति बहुत लगाव रहेगा। आपका जिसका नीच राशिगत मंगल है उसकी चौथी दृष्टि चतुर्थ स्थान में माँ के स्थान पर पड़ने पर ऐसा जातक माँ के प्रति बहुत लगाव रखता है और माँ का भी इसके प्रति अपार स्नेह रहता है। इसके अलावा यदि हम प्रॉपर्टी संबंधित बात करते हैं तो ऐसा जातक जिसके नीच राशिगत मंगल हो तो महादशा या कोई सी अंतरदशा प्रत्यंतरदशा के अंतर यदि कोई कार्य करता है ऐसा जातक तो प्रॉपर्टी खरीदेगा या बेचेगा तो इसके पास इसमें सफलता मिल सकती है, इसके पास चल अचल संपत्ति निश्चित होगी। क्योंकि ये जो कारण क्या है, ये प्रबल राजयोग कारण का
माना गया है। तो योग कारक स्थिति के कारण ऐसा जातक प्रॉपर्टी के मामले में बेहद लकी माना गया है। और यदि हम उसके सुख शांति की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा इसका मन अपने कभी स्वभाव के कारण इसका थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है। तो ऐसे में घर की चार दीवारों में कभी कभी इसको अशांति का महसूस होती है। इसके बाद में इसकी सातवीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पड़ती है। तो यहाँ पर यदि चंद्रमा स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा जातक का जो है स्वभाव तो क्रोधित तो होगा और इसकी पत्नी भी क्रोधित यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली मिल सकती है। और इसके दाम्पत्य जीवन की यदि सुख की बात करते हैं तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा ही कहलाता है। और ये पत्नी के सहयोग से यदि कोई बिजनेस करे तो उसको इसमें सफलता निश्चित मिलती है। अब आता है मंगल की आठवीं दृष्टि। तो मंगल की आठवीं दृष्टि आठवें स्थान पर पढ़ने के कारण इसको विरासत के रूप में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद या यूँ कहें कि इसको विरासत के रूप में कुछ संपत्ति मिल सकती है। ये तय है अचानक धन लाभ इसको हो सकता है। लेकिन एक बात की गलती नहीं करें, ऐसे जातक जिसके मंगल नीच का है तो इसका चंचलता के कारण अपने पराक्रम यहाँ पर दिखा दें कि क्या है अनैतिक रूप से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करें। यदि अनैतिक रूप से धन कमाने की सोचेंगे तो आपका जीवन या मंगल खराब कर सकता है। इसलिए थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतना ज़रूरी है। यदि आप अनैतिक तौर पर यदि धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं तो इसका दुष्प्रभाव आपकी पत्नी पर पड़ेगा। तो उसका स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता चला जाएगा। तो उसके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण आपको सचेत किया जाता है कि नीच राशिगत मंगल वाला व्यक्ति कभी भी भूलकर अनैतिक रूप से कोई कार्य नहीं करे। इसके बाद में आता है हम दसवें स्थान जिसको कर्म क्षेत्र कहते हैं, कर्म भाव का स्वामी लग्न स्थान पर हिस्से देते हैं। तो वो ऐसा जातक उसका जो कमाने का तरीका है उसका पूरा लक्ष्य बनाकर वो ऐसा कार्य करता है। और लक्ष्य बनाकर यदि वो कार्य करेगा पूरी जी जान से कार्य करेगा तो उसको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को किसी के अधीन कार्य करने की अपेक्षा खुद का व्यवसाय करना चाहिए। खुद का यदि धंधा करेगा तो निश्चित सफलता मिलेगी। इसके अलावा इस दसवें स्थान पर यदि सूर्य का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च अधिकारी बन सकता है। वो व्यक्ति आगे जाकर एक आईएएस आईपीएस व्यक्ति बन सकता है। ये इसके दुष्प्रभाव नहीं बल्कि शुभ प्रभाव है। तो मंगल ग्रह के बारे में मैं आपको ये बताया कि इसके शुभ अशुभ क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा अब हमें यदि ये दुष्प्रभाव देने लगे तो क्या हमें क्या करना चाहिए, इसके उपाय बता रहा हूँ। सर्वप्रथम यदि आपके मंगल नकारात्मक रिजल्ट देता है तो आप हमेशा लाल रंग का रुमाल अवश्य रखें। उसके अलावा हर मंगलवार के दिन जब भोजन करते हैं तो भोजन में दिन के भोजन में आप या तो गुड़ थोड़ा सा गुड़ रखें या सलाद के रूप में टमाटर रखें तो ये मंगल आप पर हावी नहीं होगा। नकारात्मक के बजाय सकारात्मक एनर्जी आपको देगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।